हम परफेक्ट नहीं हैं, सब कुछ ठीक नहीं है, अभी बहुत सारी कमियां हैं हमारे सिस्टम में, और सब कुछ लेकिन खराब भी नहीं है, काफी कुछ काम हुआ भी है। हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हमारे नर्सेस लगे हुए हैं, सरकारी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हुए हैं, सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है। मेरी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि इसी तरह से आप हमें अपने चैनल पे तो दिखाते ही हैं, लेकिन अगर चैनल के अलावा भी कहीं कोई आप कोई स्टोरी ना दिखा पाएं, कहीं कोई कमी नजर आए, तो फोन कर देना, उसको हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। और सबसे जरूरी बात, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय राजनीति का नहीं है। मैं देखता हूं आपस में ये पार्टियां सारी लड़ रही हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। अगर हम सारे आपस में लड़ते रहे तो कोरोना जीत जाएगा। और जो एक आम आदमी बैठ के टीवी चैनल देखता है, वो सोचता है यार ये क्या पार्टियां हैं आपस में लड़ रही हैं, मेरी किसी को परवाह नहीं है। हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें इस टाइम एकजुट होना है, हमें एक देश बनना है। जब तक सारे मिलके नहीं लड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, सारी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, जब तक सारा देश मिलके एक साथ नहीं लड़ेगा, तब तक हम कोरोना को नहीं जिता पाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी विपदा है ये। आपस में नहीं लड़ना, सारी सरकारों को मिलके, सारी संस्थाओं को मिलके, सारी पार्टियों को मिलके, हमें एकजुट होके कोरोना को हराना है। अगर हम आपस में लड़े, कोरोना जीत जाएगा, और अगर हम एकजुट हो गए, हम कोरोना को हरा लेंगे। शुक्रिया।